चलो हलवा कैसा लग रहा है? यम्मी। अच्छा लगता है तुम्हें सूजी का हलवा? हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं बना रही हूँ रसमलाई। तो दोपहर का टाइम हो रहा है और काफ़ी टाइम से ना मेरी छोटी वाली बेटी जो है पुन्नी, वो बोल रही थी कि मॉम रसमलाई बना लो। तो मैंने सोचा चलो, वैसे तो ये बोल रही थी मंगा लो मॉम रसमलाई, तो मैंने कहा मंगा के लो, मैं घर पे बना लेती हूँ। क्योंकि वैसे भी उसको डॉक्टर ने ना बाहर की चीज़ें मना की हुई हैं, अभी बीच में उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई इस वजह से। तो बस मैं यहाँ घर पे उसके लिए बना रही हूँ। तो मैंने 2 किलो दूध जो था उसको फाड़ के छेना निकाला था उसका। उसके बाद इससे मैंने ये बॉल्स बनाए हैं चपटे वाले। और यहाँ पे मैं देखिए रबड़ी बनने रख दी साइड में, वो मैंने 1/2 किलो लिया है। कम से कम लगभग यहाँ पे 2.5 किलो दूध का यूज़ किया गया है, तो मैं इतना ये बना रही हूँ। तो रबड़ी के लिए ना मेरे पास कुछ ज़्यादा तो मेवा वगैरह नहीं थी और ना ही कोई कलर वगैरह था, तो मैंने यहाँ पे चीनी डाली है। और कलर के लिए ना मैंने यहाँ पे हल्की सी हल्दी डाल दी है, क्योंकि मेरे पास कोई फूड कलर नहीं था। अगर फूड कलर ना हो ना तो हल्दी भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने हल्दी डाल दी थोड़ी सी, उससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पे पकने के लिए पहले मैंने फुल आँच पे पकने के लिए रख दिए हैं रसमलाई। तो जब इसमें ना बॉयल आने लगे तभी हमें इसमें रसमलाई डालना है। अक्सर पहले क्या करती थी मैं, पानी रखती थी, चीनी घुल जाती थी, बॉयल नहीं आ पाता था और मैं उसको मतलब डाल देती थी, तो रसगुल्ले जो होते थे ना उसमें घुल जाते थे पूरे। तो मैंने 1-2 बार मैंने प्रैक्टिस करी बनाने की। तो क्योंकि शुरू से तो देखो कोई भी नहीं सीख के आता है, हमेशा कोई भी चीज़ होती है जब तक हम 1-2 बार बनाएंगे नहीं ना तब तक हमें कुछ भी नहीं आएगा। तो बस यहाँ पर वही हाल मेरे साथ हुआ था, मैंने 2-3 बार ट्राई किया था तो जाके मुझे परफेक्ट बनाना आया है, और अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने ना ये जो रबड़ी बना रही हूँ इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, वो भी मैंने अभी बनाया था। और ये देखिए बन चुका है और ठंडा भी हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर नचोड़ नचोड़ के डाल दूँगी। और ये बहुत अच्छे स्पंजी बने हैं। और एक चीज़ गर्म होनी चाहिए जब भी हम ये नचोड़ के इसमें डालें, ताकि जो चाशनी ये जो उसकी रबड़ी है ना अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और रबड़ी ना मैंने ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई, मैंने थोड़ी पतली रखी ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, और जैसा पसंद हो वैसे रख सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ होती है ना कि जो हमें छेना होता है वो बहुत अच्छे से हमें मलना होता है, तो हमारे रसमलाई जो होती है या रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। अब जो रसमलाई जो बनाई थी उसका जो चाशनी बची थी ना, तो इसका मैं यूज़ कर ले रही हूँ अभी, वरना पड़ी रहेगी। तो ये चाशनी में ही मैंने चीनी डाल दी है, थोड़ी सी इलायची डाल दी, 2 चम्मच घी डाल के, और जो सूजी मैंने भून के अलग फ्राई पैन में भून लिया था उसके बाद यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो बस हलवा बहुत जल्दी हलवा सब बन, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। मैं ये सोच रही इसका किस चीज़ में यूज़ करूँ जो कि ये वेस्ट भी ना जाए, तो मैंने बस यही सोचा कि हलवा बना ले रही हूँ। और देखिए बहुत टेस्टी हलवा बन गया, मेरे बाबू भी हलवा उसको बहुत पसंद आया। तो बस मैंने इसका हलवा बना लिया और ये भी हमारा यूज़ हो गया, वेस्ट नहीं गया। चाशनी बनना पड़ा रहता तो वेस्ट जाता। तो बस, और यहाँ पे देखिए हमारी रसमलाई भी बन गई, तो बाबू को दे देते हैं हलवा, उसको बहुत पसंद है हलवा। और काजू डाल दिया तो उसको और काजू किसमें डाल के तो और पसंद है, तो बस उसको दे देती हूँ। चलो हलवा कैसा लग रहा है? यम्मी। अच्छा लगता है तुम्हें सूजी का हलवा? यहाँ पे बाबू खा रहा है सूजी का हलवा, देखिए। और ये पुन्नी खा रही है। पुन्नी कैसा लग रहा है? पुन्नी कैसा लग रहा है? अरे कैसा लग रहा है? अरे कैसा लग रहा है बता, ये नहीं बताएगी, हमारा सही बता देता है ना। अच्छा लग रहा है लल्ला को या बेकार लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खा लो जल्दी से। अब बारी आती है हमारा बर्तन वगैरह धुलने की। उससे पहले मैं ना आलू बॉयल होने के लिए रख दे रही हूँ शाम के लिए, क्योंकि ये बनाते बनाते हमें हो गई थी शाम, काफ़ी टाइम लग गया। और कुछ भी बनाओ ना तो बर्तनों का तो पंगोल लग जाता है। अभी देखिए बर्तन इतने पड़े हैं यहाँ सिंक में, और अभी और भी मुझे इकट्ठे करने हैं इधर उधर से, तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट मैं बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ, और
उसके बाद अपना खाने की तैयारी करूँगी कि खाना भी बनाना है मुझे, तो आज का तो ये दिन भर ना इसी में ही लग गया मेरा। तो यहाँ पे देखिए आलू भरी की मैंने सब्ज़ी बना ली है, और जो मैंने छेना निकाला था ना उसका ये देखिए पानी जो है छेने का वो बचा है, तो मैं इसका यूज़ भी कर ले रही हूँ। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो इसको फेंकिए मत। अगर आपको सब्ज़ी में डालना है तो सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं, बट हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि सब्ज़ी इससे थोड़ी खट्टी बनेगी। अगर इसमें आप चाहें तो टमाटर मत डालिए, क्योंकि ऑलरेडी ये खट्टा होगा क्योंकि हमने विनेगर से इसको फाड़ा है। और वरना आप केवल आटे में यूज़ कर सकते हैं आटा गूंद के। तो मैं यहाँ पर देखिए चावल के लिए भी यही पानी यूज़ कर रही हूँ और आटे के लिए भी, तो आटा भी गूंद लूँगी उसी से। और ये देखिए ये मैं दाल बना रही हूँ, थोड़ी दाल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, 5 रंग की दाल है, उड़द की, अरहर की, चना की, मूंग की, मसूर की, ये सब दालें मिक्स करके बना रही हूँ। और ये चावल हैं, चावल भी फुलो दूँगी। तो ये जो क्लिप है ना वो नेक्स्ट डे का है, उस दिन का नहीं है क्योंकि उस दिन वीडियो कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी 2 सीटी, मतलब आने के लिए 2 सीटी आ जाएंगी, बन के रेडी हो जाएगा। और चावल भी फूल लें। और ये देखिए हमारा शाम का व्यू, तो शाम का व्यू कुछ ऐसा है। और ये हमारा छोटा सा गार्डन है सामने मंदिर की तरफ। और बस आज का वीडियो हमारा यहीं तक का, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए।